सत श्री अकाल टीवी एनआरआई देख रहे हो तुसीं ते मैं हां अंजली। इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है, दस दी कि एक ट्रांसफार्म फटन दे नाल करंट दौड़न दे नाल मौके ते लाशां विछगियां ने, कई होर लोग इस हादसे दे विच जख्मी होए ने। हुण तक दी जो जानकारी सामने आंदी है उसके मुताबिक उत्तराखंड के चमोली दे विच इह हादसा वापरिया, जिथे कि नमाम गंगे प्रोजैक्ट के तहत काम चल रहा है। दसिया जाता है कि चमोली के अलकनंदा नदी के नेड़े ये प्रोजैक्ट चल रहा है, जिस कि अचानक ही अज सवेर न ट्रांसफार्मर दे विच धमाका हो जाता है। ट्रांसफार्मर फटन दे नाल मौके ते ही करंट दौड़न लगता है, रेलिंग दे विच करंट आ जाता है, जिसके करके मौके ते मौजूद 16 लोगों की उत्थे ही मौत हो जाती है ते नाल दी नाल कई होर लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दसिया जाता है कि हादसे के वेले उस जगह पर 50 से 60 लोग मौजूद सन, पर इस हादसे के 25 से 30 लोग जख्मी हुए ने, जिन्हों के 16 की मौके पर ही मौत हो गई है। तो हुण भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले समय के मृतकों की जिहड़ी संख्या है उस दे विच वाधा हो सकता है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, मृतक देहां नूं हस्पतालां दे विच पहुंचाया जा रहा, कई लोग अपने परिवारिक मैंबरां दी इत्थे तलाश कर रहे हैं। इस सारे मामले दे विच हुण तक दी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चमोली दे विच जो नमाम गंगे प्रोजैक्ट चल रहा सीगा उसके नेड़े एक भयानक हादसा वापरिया। दसिया जाता है कि ट्रांसफार्मर दे विच पहला अग लगी सी, जोरदार धमाका होया सी, करंट दौड़न दे नाल मौके ते ही 16 लोगों की मौत हो गई सी। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि चमोली दे अलकनंदा नदी के तट के उत्ते जिहड़ा नमाम गंगे प्रोजैक्ट चल रहा उसके तहत ही यह सारा काम इत्थे किया जा रहा है। उत्तराखंड के जिहड़े पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचे ने, उन्होंने वालों सारे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने वालों जानकारी दी गई है कि मौके पर 5 जवानों की भी मौत हुई है, तो नाल दी नाल घटना के सारे पहलुओं की जांच की जा रही है कि आखिरकार किस कारण ये सारा हादसा वापरिया, किस कारण इस ट्रांसफार्मर दे विच जिहड़ा है धमाका हुंदा, बाद विच करंट दौड़दा ते मौके ते लाशां विछ जांदियां ने। इस सारे हादसे दे बारे जानकारी दित्ती जांदी है SP दे वल्लों कि उन्हां दे वल्लों इस हादसे की पुष्टि करदिया होया उन्होंने कहा कि मरण वालियां दी हले तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किना किना दी मौत हुई है, पर यह देखा गया कि उत्थे मौजूद 5 जवान सन, एक गार्ड उत्थे मौजूद सीगा ते होर स्थानक लोग भी जो उत्थे काम दे विच मदद कर रहे सन, उन्हां दी भी मौके ते मौत हुई है। इस सारे मामले दे बारे दस्सिया जा रहा है कि बहुत ही भयानक हादसा सीगा, लाशां नूं हुण हस्पतालां दे विच पहुंचाया जा रहा है, ते नाल दी नाल ये भी दस्सिया जा रहा है कि प्रोजेक्ट साइट दे जिहड़ा केयर टेकर है उसनों भी करंट लंघण दे नाल दर्दनाक मौत हुई है। स्थानक लोगों के मुताबिक केयर टेकर जिहड़ा है उसके परिवार वालों के वलों मृतक शरीर देखा गया, तो इस गल की पुष्टि की गई कि वह केयर टेकर है, इतने ही वह काम कर रहा है, अचानक ही करंट दौड़न दे नाल कई लोग उस करंट की चपेट दे विच आ गए सन, जिसके करके जिहड़ा है ये अलकनंदा नदी के उत्ते जो काम चल रहा तट के उत्ते काम चल रहा है, रेलिंग दे विच करंट दौड़ गया सी, जिसके करके ये हादसा वापरिया। इस हादसे दीआं कुछ तस्वीरां भी सामने आईआं ने, जिस विच कि कई परिवारिक मैंबर अपने दूसरे परिवारिक मैंबरां नूं लभदे हुए नज़र आ रहे हैं, कई लोग रोंदे बिलकदे हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने नाल अजिहा हादसा वापरिया, कई रब का शुक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस भयानक हादसे दे विच उन्हां दी जान बच गई है, पर उन्हां दे कई दोस्त ने या सहकर्मी ने उन्हां दी मौके ते ही मौत हो गई है। चमोली एक बहुत ही छोटा कस्बा दस्या जांदा है, इस चमोली दे विच इन्नी वड्डी संख्या दे विच पुलिस प्रशासन जिहड़ा है उन्हां जदों ये हादसा हुंदा देखिया तां ज़्यादा मात्रा दे विच पुलिस प्रशासन इत्थे पहुंचिया होया, हड़कंप मचिया होया। इस वेले दे हालातां दे वी तुहानूं दस दिंदे आं, नमाम गंगे प्रोजैक्ट दे तहत दस्या जांदा कि इस हादसे होण तो बाद सारा उत्तराखंड के जिहड़े मुख्यमंत्री ने उन्होंने वालों पुष्टि करदे होए जिहड़े भी इस हादसे के पीड़ित लोग ने उन्हां दी सहायता की गल कही गई है, नाल दी नाल सारे इंतजाम देखण दे लई प्रशासन नूं जिहड़ा है उन्हां दे वालों सारिया हिदायतां भी दित्तियां गईयां ने। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय के इस घटना के नाल जुड़े किहड़े किहड़े तत्थ निकल के सामने आउंदे ने, जिहड़े इस हादसे के जख्मी होए लोग ने उन्हां दे इलाज के लिए उन्होंने हैलीकॉप्टर की मदद के नाल हुण हस्पतालां दे विच पहुँचाया जा रहा है, ऋषिकेश अते होर जिहड़े हस्पताल ने उन्हां दे विच चंगिया थावां ते पहुँचाया जा रहा है, ते नाल दी नाल चमोली दे जिहड़े पुलिस अधिकारी ने उन्हां दे वल्लों भी जिहड़े जख्मी लोग ने उन्हां नूं जिहड़ी शुरुआती उन्हां नूं सहूलतावां दित्तियां जा रहियां ने, ते नाल दी नाल होर जिहड़े मृतक ने उन्हां दी पहचान करके उन्हां दे परिजनां नूं
सौंपण की कोशिश की जा रही है। दस दिए कि पिछले दिन ही बारिश के करके उत्तराखंड काफ़ी माहौल जो खराब हो गया से, लगातार बारिश का दौर चल रहा है, जिसके करके ही एक कारण मनिया जा रहा है कि उस ट्रांसफर के धमाका होया बारिश का पानी पैन के करके उस धमाका होया। इस हद तक वो धमाका होंगे कि तट के नाल रगबी रेलिंग दे विच करंट दौड़ पैंदा है, जिसके करके मौके ते ही 16 लोगों की मौत हो जाती है। उसमें एक वहाँ का जो गंगा या उसका था वो घायल हो गया था, एक्सपायर हो, उसको देखने हम सब गए, पुलिस प्रशासन आया, पोस्टमार्टम चल रहा था, भीड़ लगी हुई थी, मेरा इधर को आना, उसके बाद इतना करंट फैला कि जो जहाँ था वहीं का चिपक गया। सौभाग्य से शिव भगवान 20-25 लोग घोर लापरवाही UPCL की, इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कईयों के चिराग बुझ गए, इतनी घोर लापरवाही पहले नहीं। कितने लोग रहे होंगे मौके पे, कितने लोग? कम से कम 50-60 लोग थे। अच्छा, 20-25 लोग घायल हैं, घायल का उसमें से एक्सपायर भी है। ऐसा कि हमें दोस्तों के द्वारा बताया गया, हमें समाचार मिले, फोन कॉल आई हमें, तो हम आनंद फानंद में वहाँ गए बचाने, तो जो हमने मौके पे देखा, हमारी वहाँ पे हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस पहुँची हुई थी, जो ईमानदारी से वहाँ पे हमारे साथ साथ आई है, चाहे हमारे बात आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला ये आया कि हमने ये बात वहाँ पे करी कि भाई जो यहाँ पे ये इस प्रकार का एक हत्या ही बोलूँगा मैं इसको, जो हमारे भाई के साथ हुई है, तो हमने कहा कि इसके परिवारजन यहाँ आए पहले, परिवारजन जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई पंचनामा नहीं होगा, जब तक यहाँ पर अमला चमला प्रशासन नहीं आता है, ये नमामि गंगे जो ये जिसने ये षड्यंत्र रचा रखा है हम सबको मारने का, हम जिंदा इतने कम से कम 40 लोगों को मैं अभी बचा के लाया हूँ, कितने हमारी पुलिस है, कितने हमारे भाई लोग हैं, मैं दोबारा जिंदगी जी रहा हूँ ये। लेकिन ये है कि ये हुआ क्या था वहाँ पे, हुआ ये था कि हम वहीं पे खड़े थे, हमने बोला कि इनके परिवार वालों को आने दो, प्रशासन को आने दो, तब हम पंचनामा करेंगे। इतने में वहाँ फिर से दोबारा लाइट आ गई। किसने, ये लाइट बंद थी कि फिर तुरंत? लाइट बंद थी, लाइट बंद थी, और अकस्मात से इसका कोई भाई आता है, वो रो रहा था, तो मुझे भी करुणामय में जो आंसू आ गए, तो मैं इतने में वो रस्सी रुस्सी सारा, वो उसका पॉलिथीन मेरे हाथों में था, तो मैं इधर आ गया आउटसाइड रोने के लिए। मैंने कहा मैं यूँ रोऊंगा तो बहुत रोएंगे आप, तो मैं आउटसाइड आया, तो मैं फकीर हम इनके घर की बातें कर रहे थे, जो उनके गाँव घर के लोग हैं, हम ये कर रहे थे कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, हम उस पर निर्णय ले रहे थे। इतने में ऐसा करंट आया कि हमारे बीच से हमारे मित्र पुलिस चले गई, हमारे भाई लोग चले गए, हमारे जो ये हमको मारने की पूरी साजिश की है, तो ये प्रकरण है। और कितने लोग, जिस को ज्ञान होवेगा वो हल करेगा, गुरु जी बंगाली, वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ, 24 घंटे चे करवाओ हर परेशानी दा हल, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी, सोतन दुश्मन तो छुटकारा, कर्जा मुक्ति दा विशेष हल जानो, मैं तुहाडा विश्वास टूटन नहीं दवांगा, दूरी ना देखो काम देखो, जेकर तुहाडा ज्योतिष विच विश्वास टूट गया है ता एक बार जरूर कॉल करो, कॉल नाओ +91 9878 429430, लव मैरिज गेट योर लव बैक, फैमिली मनी और जॉब प्रॉब्लम, वशीकरण ब्लैक मैजिक एंड लोटोमैक्स, गिव मी वन चांस आई विल चेंज योर लाइफ, कर बैठे हर समस्या का समाधान 100% ग्रंटेड करवाओ।